हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं सिक्योर टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेल का होम। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टूल, पिवट टेबल। जी हाँ, आपने सही सुना, पिवट टेबल। कुछ लोग कह रहे हैं पिवट टेबल नहीं सर, पाइवट टेबल होता है, बट इसकी जो करेंट प्रेजेंटेशन होती है वो पिवट टेबल ही होती है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल? नॉर्मल टेबल इज द फिक्स टेबल और पिवट टेबल इज द फ्लेक्सीबल टेबल। पिवट टेबल को आप पीवी टेबल में आप डेटा को समराइज कर सकते हैं और नॉर्मल टेबल में आप डेटा को समराइज नहीं कर सकते हैं। पीवी टेबल का जो रिजल्ट होता है वो डेटा को समराइज करने के बाद आता है, और जो नॉर्मल टेबल होती है वो आप डेटा को आप लिख भी सकते हैं उसमें और अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो देखिए, पीवी टेबल आप किसी भी कंपनी में जाएंगे और जॉब करने के लिए इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एक्सेल में मुझे ये लगता है कि पीवी टेबल का होता है सभी से। ओके, आपको पीवी टेबल आती है नहीं आती, पीवी टेबल पे आपने काम किया है नहीं किया है, तो आपसे पीवी टेबल क्वेश्चन ज़रूर होते हैं अगर आप एक्सेल से या किसी भी ऑफिशियल जॉब में, आप किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं ऑफिशियल जॉब के लिए। ओके, तो देखिए पीवी टेबल को बहुत इजी है इस पीवी टेबल को क्रिएट करना। आप बस इसको देखते रहें और मुझे फॉलो करते रहें, बहुत ही ईजी, आपको बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। तो देखिए, मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें डेट, नेम, प्रोडक्ट, प्लेस, क्वांटिटी, सेल और डिस्काउंट, ये इसमें फील्ड हैं। इसको चलो हम पीवी टेबल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे ओके वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, हम पहले इंसर्ट पे टैप पर आ जाएंगे और यहाँ पर पीवी टेबल का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन पीवी टेबल का होता है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन देगा, क्रिएट पीवी टेबल, सॉरी पीवी टेबल, मैं भी पीवी टेबल प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि आदत वही है ना, बट जो करंट प्रेजेंटेशन है वो पीवी टेबल है। ओके, तो देखिए न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसमें एक दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको ये पीवी टेबल कहाँ रखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट अगर आप पीवी टेबल क्रिएट कर देंगे तो एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट अगर आप पीवी टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर बनाएंगे तो आपसे ये लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर रखना चाहते हैं या आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। जहाँ भी आप लोकेशन देंगे उसकी लोकेशन आ जाएगी। तो आई रिकमेंडेड यू, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जब भी पीवी टेबल क्रिएट करें तो आप न्यू वर्कशीट पर करें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर, क्योंकि नॉर्मल टेबल भी आपकी वहीं पर है और पीवी टेबल भी आपकी वहीं रहेगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया तो देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पीवी टेबल। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इसे देख कर डर जाते हैं कि भाई कैसा फॉर्मेट आ चुका है हमारे सामने, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। एक एक आप स्टेप लें, एक एक आप फील्ड लें और इसको सेट करते रहें और आपको बहुत इजी आपकी पीवी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए जो हमारी फील्ड्स थी सारी फील्ड्स यहाँ पर आ रही हैं और कुछ यहाँ पर और फील्ड्स आ रही हैं। जहाँ पर आप देखो ऑप्शन आ रहा है ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, आप यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए चलो पहले मैं बता देता हूँ, प्लेस को हम ड्रैग करेंगे और रो में ड्रॉप कर देंगे तो देखिए प्लेस आ जाएंगी। हमें नेम लेना है या प्रोडक्ट लेना है वो भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया और इसको कॉलम में ले देते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट थे वो कॉलम में आ रहे हैं, जितने भी हमारे प्लेस थे वो रो में आ रहे हैं। इसे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हमने इसे प्लेस को कॉलम में कर दिया और प्रोडक्ट को हमने रो में कर दिया, तो इंटरचेंज कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कॉलम और रो, इसमें जितने भी हम फील्ड रखेंगे वो टेक्स्ट बेस्ड रखेंगे, याद रखेंगे आप जितने भी फील्ड रखेंगे आप टेक्स्ट बेस्ड रखेंगे। जो भी लिखा हुआ होगा जैसे अल्फाबेट में होगा वो सब हम रो और कॉलम में रखेंगे, और वैल्यूज़ में हम जितनी भी फील्ड रखेंगे वो नंबर्स वाली रखेंगे, मीन्स जैसे सेल हुआ, डिस्काउंट हुआ और परचेज हुआ, वो फील्ड हम वैल्यूज़ में रखेंगे, नंबर्स वाली फील्ड वैल्यूज़ में हम रखेंगे। ओके, ये बात आप याद रखना। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर सेल लग दिए, हम यहाँ सेल लग देते हैं वैल्यूज़ में, सेल लाइन हमने इसको ड्रैग कर दिया तो ये सारी सेल्स आ जाएगी। तो देखो ये सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है कि आपको देखो ऐसे टेबल दिखाई दे रही है, ऐसा व्यू आ रहा है कि आप कंफ्यूज जाओ कि पता नहीं क्या हो गया ये, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, हम यहाँ डिस्काउंट भी रख सकते हैं, तो देखो डिस्काउंट में यहाँ रख देंगे ये डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, तो टेबल और बड़ी हो जाएगी, हम डिस्काउंट हटाना चाहते हैं तो डिस्काउंट हम हटा भी सकते हैं, यहाँ से वापस से इसको वहीं रख देंगे तो ये वहाँ से हट जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर टोटल आ रहा है सभी का। ओके, तो देखो अगर हम वन बाय वन देखें तो यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं थोड़े बहुत कि देखो वैसे तो कर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट में दिल्ली में प्लेस है, दिल्ली प्लेसेस की और 2850 इसका अमाउंट है।
अगर आप डायरेक्ट सेल से देखना चाहते हैं, आप सेल से भी देख सकते हैं कि टोटल ऑफ सेल्स कितनी है, टोटल ऑफ हमारा अमाउंट कितना है। तो किसी भी आप अमाउंट पर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसका रिकॉर्ड एक जनरेट हो जाएगा न्यूअर शीट पर, और आपको बहुत क्लियरली आपको बता देगा कि हाँ किस पर्सन ने किस डेट में किस प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी दी, कितना डिस्काउंट मिला, वो सब आपको पूरा रिकॉर्ड बता देगा। आप इसे नॉर्मली डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो न्यू शीट पर आप एक शीट जनरेट हो जाएगी और देखिए पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अर्थगुल आ रहा है, आजकल बहुत फेमस है अर्थगुल, तो मैंने वो नेम दिया है। अर्थगुल ने जून में लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप सेल किया है, डेली प्लेस थी, क्वांटिटी 4 थी, 25,000 था और डिस्काउंट 2,000 था। ओके नॉर्मल हम यहाँ पर टेबल पे आ जाएंगे, जो हमने टेबल बनाई थी इसे हम यहाँ एडिट कर लेते हैं, पहले इसको रीनेम कर देते हैं, हमने पिवट टेबल कर देते हैं इसको, पिवट टेबल। ओके तो हमने पिवट टेबल नेम कर दिया यहाँ पर इसका। अब देखिए चलिए हम नेम इसको प्लेस को फील्ड को चेंज कर देते हैं, इसको हमने प्लेस यहाँ पर रखी, हम प्लेस यहाँ देते हैं, हमने प्रोडक्ट कॉलम में रखा और सॉरी प्रोडक्ट हमने रो में रखा और सेल यहाँ रखी। और देखिए हमने यहाँ पर इसको कर दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट भी हम ले लेते हैं, डिस्काउंट हमने वैल्यू में रखा, यहाँ पर आ गया। तो देखो नॉर्मली आप इसकी टेबल आ रही है आपके पास सामने, बट इसमें प्लेस नहीं आ रही, इसमें डेट नहीं आ रही है, इसमें अभी इतना रिकॉर्ड क्लियर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से किसी पर भी, जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि 30 डिस्काउंट किसका है, तो हम डबल क्लिक कर देंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा आपके सामने। ओके ठीक हो गया। यही काम आप डेट वाइज भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट के नहीं आप डेट से देखें, तो आप प्रोडक्ट को यहाँ से हटा देंगे, हमने प्रोडक्ट को यहाँ से इसे छोड़ दिया, हम यहाँ डेट ले लेते हैं। ये देखिए हमने डेट ले लिया, रो में हमने डेट रख दी। ओके अब हम चाहते हैं कि हम डेट जून का या जुलाई का रिकॉर्ड देखें, तो हम यहाँ सेल से भी देख सकते हैं। तो देखिए जून में सेल हमारी कितनी थी, सम ऑफ सेल इतना था। ओके यहाँ हम टोटल भी कर सकते हैं, यहाँ हम डिस्काउंट भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा रिकॉर्ड जून का हमारे पास एक टेबल जनरेट हो जाएगी और बहुत ईजी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप समझ जाएंगे इसमें। ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए। ओके तो देखिए जून के मंथ में सेल कितनी थी, किसने बेचा, सब आ जाएगा। ओके नॉर्मल हम पीवी टेबल पे आ जाएंगे जो हमने बना रखी है, ऐसे हम जुलाई से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्काउंट पर, या हम सेल पर क्लिक करेंगे, या हम ग्रैंड टोटल पर क्लिक करेंगे तो पूरे टेबल का रिकॉर्ड आ जाएगा। हम यहाँ पर किया ग्रैंड टोटल पर तो पूरी टेबल आ जाएगी, देखिए आप। ओके क्लियर है। तो ऐसे आप किसी भी रिकॉर्ड को आप पीवी टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। ओके अब एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब देखिए यहाँ पर जो मैं इसे डेट को हटा देता हूँ, हमने डेट को हटाया, अब यहाँ पर मैं नॉर्मली प्रोडक्ट कर देता हूँ, मैं प्रोडक्ट कर दिया है प्रोडक्ट, ये देखिए। तो वैसे हमारी टेबल होती थी जैसे पहले थी। अब देखिए नंबर्स जो आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी कि सम ऑफ सेल को हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसे हम एडिट भी कर सकते हैं, इसका रीनेम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मल एरो पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज पर सम ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू फील्ड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल, जो भी आप लिखना चाहते हैं टोटल लिख सकते हैं, हमने ओके किया। तो देखिए यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यहाँ हम डिस्काउंट लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ डिस्काउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको डिस्काउंट 1 भी कर सकते हैं, डिस्काउंट 1 कर देते हैं यहाँ पर, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 1। ओके तो यहाँ डिस्काउंट 1 आ जाएगा। अब आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, किसी फॉर्मेट में आप इसे रखना चाहते हैं, जो आपने नंबर फॉर्मेट पहले पढ़ा था, तो आप वो भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे टोटल के, आप वैल्यू फील्ड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर जिस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं आप इसको क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक किया है इसको, और इसको आप नंबर चेंज करना चाहते हैं, आप इसका करेंसी चेंज करना चाहते हैं, आप उसकी या डेट फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम करेंसी चेंज कर सकते हैं, करेंसी आए, हम डेसिमल प्लेसेस यहाँ 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं रखना है इसको, हमने 0 कर दिया है इसको। ओके और जिस कंट्री का आपको सिंबल रखना है, करेंसी सिंबल, वो आप यहाँ से चूज करके रख सकते हैं ईजी। ये देखिए हमने हिंदी रखना है, इंडियन करेंसी रखनी है, क्लिक करेंगे ओके कर देंगे तो हिंदी करेंसी आएगी, यहाँ ओके कर देना है, ये देखिए हिंदी करेंसी आ जाएगी और डेसिमल नंबर नहीं आएंगे। अब हम इसमें डेसिमल नंबर भी रखना चाहते हैं,
और करेंसी भी चेंज करना चाहते हैं डिस्काउंट में, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, हमने एरो पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड पे क्लिक किया हमने, नंबर फॉर्मेट पे आ जाएंगे यहाँ पर, और इसको हम करेंसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने डेसिमल 2 ही रहने देंगे, और इसको हम डॉलर में रख लेते हैं। ओके, डॉलर हमने सेलेक्ट किया, ओके कर देंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे, तो देखिए डेसिमल प्लेस 0 आ रही है और डॉलर में साइन हो चुका है, तो डिस्काउंट हमारा डॉलर में आ रहा है और टोटल हमारा वो इंडियन में आ रहा है। हम इसे चेंज कर सकते हैं वापस, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ठीक हो गया। तो आप कोई भी नंबर फॉर्मेट से ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, आप इसको फील्ड को हम चेंज करके देख लेते हैं, कोई और फील्ड हम रख देते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को हम इसको अगेन वापस वहीं भेज देते हैं जहाँ ये था, और इसको डिस्काउंट को भी वहीं कर देते हैं और टोटल को भी वहीं कर देते हैं। ओके, तो अब ये नॉर्मल टेबल हमारी वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले बनाई थी हमने। हम इसे दोबारा से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम प्लेस को रख देते हैं इसको रो में, हमने प्लेस को रो में रखा, देखिए आप कॉलम को भी हम सॉरी प्रोडक्ट को भी हम रो में रख देते हैं, देखिए। ओके, तो देखिए इस टाइप से टेबल आएगी हमारी, रो में कॉलम सॉरी प्लेस भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, और सेल्स को हम रख देते हैं अगेंस्ट वैल्यू में, हमने वैल्यू में रखा, ये देखिए। तो वैल्यू में रखेंगे, इस टाइप से भी हम टेबल बना सकते हैं। डिस्काउंट को हम उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट होती जाएगी, टेबल हमारी बनती चली जाएगी। ओके, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें हम और चीज़ें भी रखें, यहाँ पर नेम भी दें, तो हम नेम लाएंगे और वो कॉलम में रख देंगे, तो नेम भी आएंगे साथ साथ में, ये देखिए अब लिस्ट हमारी और बड़ी हो जाएगी। ओके, हम नहीं चाहते नेम को तो वहीं रख देंगे, तो ये फिर से छोटी हो जाएगी। ओके, अब देखिए एच डी एम आई का रिकॉर्ड हमें यही देखना है कि हमें इसका प्लेस भी देखना है या कुछ और रिकॉर्ड हमें देखना है एच डी एम आई का, तो हम एच डी एम आई पर डबल क्लिक करेंगे यहीं पर। तो देखिए यहाँ पर आपको शो डिटेल्स में दिखाएगा कि आपको कौन सी फील्ड देखनी है एच डी एम आई की, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी देखनी है कि एच डी एम आई की कितनी क्वांटिटी हमारे पास है या कितनी सेल हुई है, तो हम देख सकते हैं, हम इसे ओके करेंगे तो एच डी एम आई के नीचे ही आपको दिखा देगा कि इसकी कितनी क्वांटिटी है। ओके, हमने डबल क्लिक कर देंगे, वापस से डबल क्लिक किया, ये देखिए। ओके, तो ऐसे ही आप किसी भी फील्ड का रिकॉर्ड आप डबल क्लिक करके टैक्स का वहां भी देख सकते हैं, और वैल्यूज का देखना है तो आप वैल्यूज पर डबल क्लिक करेंगे तो एक न्यू वर्कशीट पर हमारी टेबल जनरेट हो जाएगी, वहां पर इजी आप देख सकते हैं। ये काम हम तब करते हैं जब हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां पर बहुत बड़ा डेटा हमारे पास है और हम उसे वन बाय वन करके नहीं देखना चाहते हैं, तो हम पिवट टेबल के द्वारा इसे करके देख सकते हैं, इसे कॉपी करके किसी को भेज भी सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, तो बहुत ही यूजफुल होती है पिवट टेबल। ओके, हम किसी और वे में भी देखना चाहते हैं तो किसी और वे में भी हम इसको देख सकते हैं, और इसे हटाना चाहते हैं दोबारा से हम इसको हटा भी सकते हैं। ओके, तो ये अभी ये था आपका पिवट टेबल का पार्ट वन, मैं आपको बहुत जल्दी पार्ट टू भी दूंगा इसका। ओके, पूरा क्लियरली आपको समझाऊंगा कि इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो क्या होती है, कैसे हम इसको काम करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको जानने का वेट करूंगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे आप बताइए, फीडबैक दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।